अपहुंच एवं दुर्गम दशम द्वार रूपी किले की रचना करके ईश्वर जी ने इसमें वास किया हुआ है और उसमें उसकी ज्योति का आलोक है। जिस स्थान पर गोविंद बसता है वह ब्रह्म ज्ञान रूपी बिजली चमकती है और आनंद बना रहता है। यदि जीव आत्मा की राम नाम में लगन लग जाए तो जन्म मरण छूट जाता है और भ्रम भी भाग जाता है। रहाऊ जिसके मन में जात पात का प्रेम बना होता है वह अहम भावना के गीत गाता रहता है। जिस स्थान पर प्रभु विद्यमान है वहां अनहद शब्द की झंकार होती रहती है। परमेश्वर खंडों मंडलों की रचना करने वाला है। वह तीनों लोकों ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेवों तथा तीन गुणों का संहार करने वाला है। मन वाणी से परे प्रभु अंतर मन में ही विद्यमान है। उस पृथ्वी पालक का रहस्य कोई नहीं पा सकता। केले फूल धूप बत्ती ये उसी का प्रकाश हैं। कमल के सौरभ में भी वही वास कर रहा है। 12 पंखुड़ियों वाले हृदय कमल में उसी का मंतव्य है। हर स्थान पर लक्ष्मीपति नारायण ही विद्यमान है। नीचे ऊपर एवं मुख में उसकी ज्योति आलोकित हो रही है। शून्य मंडल दशम द्वार में ईश्वर का आलोक स्थित है। वहां सूर्य एवं चांद नहीं वहां भी आदि पुरुष मायातीत प्रभु आनंद कर रहा है। जो ब्रह्मांड में है उसे पिंड में भी विद्यमान जानो। प्रभु नाम रूपी मान सरोवर में स्नान करो। मैं वही हूँ सो हम जिसका जाप है उस पर पाप एवं पुण्य लिप्त नहीं होता। ईश्वर वरण आवरण धूप अथवा शाव से परे है। गुरु की शरण बिना उसे कहीं भी पाया नहीं जा सकता। उसमें लगा ध्यान भंग नहीं हो सकता। इससे प्राणी का आवागमन छूट जाता है और वह नैसर्गिक ही शून्य समाधि में लवलीन रहता है। अगर कोई मन में उसे जान ले तो जो बोलता है वह पूरा हो जाता है। हे कबीर जो पुरुष प्रभु ज्योति रूपी मंत्र के द्वारा मन को स्थिर कर लेता है वह जगत से पार हो जाता है। कोट सूर जाके परगास कोट महादेव अर कबिलास दुर्गा कोट जाके मर्दन करे ब्रह्मा कोट वेद उचरे जौ जाचौ तौ केवल राम आन देव सिउ नाही काम। रहाऊ कोट चंद्र में कर है चराक सुर 3300 जे वह पाक नवग्रह कोट ठाडे दरबार धर्म कोट जाके प्रतिहार पवन कोट चौवारे फिर है बासक कोट सेज बिस्थर है समुंद कोट जाके पानी हार रोमा वल कोट 18 भार कोट कमेर भरा भंडार कोटिक लक्ष्मी करे सिंगार कोटिक पाप पुन बहिर है इंद्र कोट जाके सेवा कर है 56 कोट जाके प्रतिहार नगरी नगरी खियत अपार लट छूटी बरते विकराल कोट कला खेले कहे तौ पार ब्रह्म का अंत ना लहे 52 कोट जाके रोमावली रावण सेना जहते छली सहस कोट वह कहत पुराण दुर्योधन का मथ्या मान कंदरप कोट जाके लवे न धरै अंतर अंतर मन सा हरह कह कबीर सुन सारंग पाण देह अभे पद मांगौ दान। जिसका करोड़ों सूर्यों जितना प्रकाश है करोड़ों महादेव और कैलाश पर्वत जिसमें व्याप्त है करोड़ों दुर्गा देवियां जिसकी चरण सेवा में लीन है करोड़ों ब्रह्मा जिसके वंदन में वेदों का उच्चारण करते हैं
मैं तो केवल राम को ही चाहता हूँ, किसी अन्य देवता से कोई मतलब नहीं रहाऊ। करोड़ों चंद्रमा जिसके दर पर चिराग करते हैं, 33 करोड़ देवता जिसकी रसोई में भोजन का कार्य कर रहे हैं, करोड़ों नौ ग्रह उसके दरबार में खड़े हैं, करोड़ों धर्मराज जिसके दरबान हैं, करोड़ों पवने जिसके चौबारे में घूमती हैं, करोड़ों नागराज उसकी सेज के लिए बिछे रहते हैं, करोड़ों समुद्र जिसका पानी भरते हैं, और 18 भार वाली करोड़ों वनस्पति उसकी रोमावली है, करोड़ों धन के देवता कुबेर उसके भंडार भरते हैं, करोड़ों लक्ष्मियां उसके लिए श्रृंगार करती हैं, उसके दर्शन से करोड़ों पाप भी दूर हो जाते हैं, करोड़ों इंद्र भी उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं, जिसके 56 करोड़ द्वारपाल हैं, नगर नगर उसका यश फैला रहे हैं, जटा जटा खोलकर भयानक भूत प्रेत पिशाच इत्यादि उसकी आज्ञा में ही कार्यशील हैं। दरअसल ईश्वर करोड़ों शक्तियों के रूप में लीलाएं करता रहता है, करोड़ों जग जिसके दरबार में हैं, करोड़ों गंधर्व उसकी जय जयकार करते हैं, करोड़ों रूप में विद्या की देवी सरस्वती उसका गुण गाती है, उस पार ब्रह्म का रहस्य कोई नहीं जानता, जिसकी 52 करोड़ रोमावली जितनी वानर सेना थी, जिस राम ने रावण सेना को छल लिया था, उस ईश्वर की ही पुराणों में करोड़ों हजारों कथाएं हैं, उसी ने दुर्योधन के घमंड को चकनाचूर किया, करोड़ों कामदेव भी उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वह मन में ही वासना को चुरा लेता है। कबीर जी विनती करते हैं कि हे प्रभु सुनो, मैं तुझसे यही दान चाहता हूँ, मुझे मोक्ष प्रदान करो। भैरव वाणी नामदेव जी की घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रे जी वह करौ संत खंड, जामना उचरस श्री गोविंद, रंगीले जीवा हर के नाई, सुरंग रंगीले हर हर ध्याई, रहाऊ मिथ्या जीवा अम्बरे काम, निर्वाण पद एक हर को नाम, असंख कोट अन पूजा करी, एक न पूजस नाम में हरी, प्रणवे नाम देव एह करणा, अनंत रूप तेरे नारायणा, हे जीवा अगर तूने हरि नाम उच्चारण ना किया, तो तेरे 7 टुकड़े कर दूंगा, हे मनुष्य जीवा को हरि नाम में रंग लो, परमात्मा जी का भजन कर, प्रेम रंग में रंग लो, रहाऊ हे जीवा तेरे अन्य काम झूठे हैं, केवल परमात्मा का सुमरण करने से निर्वाण पद प्राप्त होता है, असंख्य करोड़ों प्रकार की अन्य पूजा की जाए तो एक भी प्रभु नाम के बराबर नहीं आती। नाम देव विनती करते हैं कि हे जीवा तेरे लिए यही उचित कार्य है कि अनंत रूप नारायण का नाम जपती रहो, पर धन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसे नर हरी, जो ना भजनते नारायणा, तिनका मैं ना करूं दर्शना, रहाऊ जिनके भीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होई नरा, प्रणवंत नाम देव ना कह बिना, ना सोहे 32 लखना, जो पराया धन एवं पराई नारी का मोह छोड़ देता है, ईश्वर उसके निकट बसा रहता है। जो व्यक्ति परमात्मा का भजन नहीं करते, उनका तो मैं दर्शन ही नहीं करता, रहाऊ जिनके अंतर मन में भेदभाव है, वे पुरुष तो ऐसे हैं जैसे पशु होते हैं। नामदेव विनती करते हैं कि 32 लक्षणों वाला पुरुष नाक के बिना
सुंदर नहीं लगता। दूध कटोरे गड़वे पानी, कपल गाई नामे दुह आनी। दूध पियो गोविंदे राई, दूध पियो मेरो मन पतियाई। नाही ता घर को बाप रिसाई, रहाऊ।